Hello everyone, I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the second part of chapter number 2, Final Accounts of Partnership Firm, 12th Commerce Elements of Account, Gujarat. Now as you have seen in part number 1, we have seen almost 6 different performa or the specimen for the particular accounts, that is trading account, profit and loss account, then profit and loss appropriation account, partners capital account, partners current account and the balance sheet. We have seen the performa for all these 6 accounts. Now we are going to see in this particular session what are the kind of adjustment entries we have to do and what will be their effects in your annual accounts. Okay, so let's start the session, starting with the first one, that is closing stock. Okay, now if there is a closing stock, what kind of entry we have to give? जब closing stock आएगा तो आपको कौन से type की entry देनी पड़ेगी? तो एक तो चीज आपको पता है कि closing stock है तो वो credit side पे आ जाएगा, कौन से है? Trading account पे. मतलब एक entry कहाँ पे आएगी? Trading account के credit side पे. और दूसरी एंट्री कहां पे आएगी? सेकेंड एंट्री, एज क्लोजिंग स्टॉक इज योर असेट, द सेकेंड एंट्री विल बी कम ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ करंट असेट्स. ओके, अब जब आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हो तो कई बार एग्जांपल में आपको क्या दिया जाता है? आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दो दी जाती है. तो अब उसमें से आपको चूज कौन सी करनी है? तो ऑलवेज प्रीफर whichever is less concept. okay, अगर book value आपको 50,000 दी है और market value आपको stock की 60,000 दी है तो आपको कौन सी select करनी है? आपको 50,000 select करनी है. कौन सा concept apply करोगे? whichever is lower, मतलब market value या तो फिर book value, दोनों में से जो भी आपकी कम होगी वो आप balance sheet पे और trading account में ले जाओगे. एक एंट्री कहां पे आएगी? फर्स्ट एंट्री विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड एंट्री विल कम ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. क्लियर? तो ये आपकी हो गई फर्स्ट एंट्री. सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अब देखो, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं कि एक्सपेंसेस और इनकम गलत गलत जगह पे लिख देते हैं. तो एक चीज सिंपल समझ लो, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग और पीएनएल. कहां पे जो जो एक्सपेंसेस है वो कहां पे आपके डेबिट होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में या तो फिर पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड. एंड ऑल द इनकम्स विल बी क्रेडिटेड ऑन पीएनएल अकाउंट और द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड. इनकम है तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड, ट्रेडिंग में आएंगे या तो फिर P&L में आएंगे. अब चलो ये देख लो, पहली चीज तो एक्सपेंस हुई तो हमें ये पता चल गया था ये एक्सपेंस है तो P&L या तो फिर ट्रेडिंग में आने वाला है, ये आपको पता चल गया. पर सेकंड क्या है इसमें, आगे की टर्म देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब आपको ये जो एक्सपेंस है वो देना बाकी है. ओके, तो इसकी क्या एंट्री होगी? चलो पहली एंट्री तो हो गई कि डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और द पीएनएल अकाउंट. अब कोई ऐसा एग्जांपल आए और उसमें पूछा जाए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है तो सर हम ट्रेडिंग में लेंगे या तो फिर पीएनएल में लेंगे, तो आपको ये चीज देखनी है कि ये एक्चुअली किस टाइप का अकाउंट है और उसमें किस टाइप का एक्सपेंस हो रहा है. ओके, जैसे कि अगर प्रोडक्शन के रिलेटेड एक्सपेंस होगा, इफ द एक्सपेंस इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन अकाउंट, then it will be debited in trading account. पर अगर rest of the work जो है, financial expense है या तो फिर selling and distribution expense है, उसके related अगर कुछ होगा तो वो कहाँ पे चला आएगा? सीधा वो आ जाएगा on a debit side of a P&L account. अब as it is a outstanding expense तो हम क्या करेंगे, जो भी expense दिया हुआ होगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, उसमें ऐड क्या करेंगे, जो भी आपका रिस्पेक्टिव आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद आउटर कॉलम में उसकी टोटल अमाउंट निकालेंगे.
अब दूसरी एंट्री कहां पे लगेगी? दूसरी एंट्री लगेगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ओके, क्यों लायबिलिटी? बिकॉज वी हैवेंट पेड द अमाउंट ऑन टाइम, इट इज अवर आउटस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अवर लायबिलिटी। ये हमारी आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या बन गई? हमारी लायबिलिटी बन गई। तो हम कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्लियर? चलो थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड वन, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। अब एक चीज समझो, एक्सपेंस लिखा है, तो एक्सपेंस लिखा है तो क्या करोगे? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। ये क्लियर है? चलो अब दूसरी चीज, प्रीपेड है मतलब आपने एडवांस में पे करके रखा हुआ है, तो अब क्या करोगे? जो भी अमाउंट टोटल पेड होगी वो इनर कॉर्नर में लिखोगे, उसमें से प्रीपेड है वो क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे या तो फिर आप माइनस कर दोगे। देखो क्या दिया है, डेबिट साइड ऑफ अ ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस एक्सपेंडिचर इट इज। प्रोडक्शन रिलेटेड है तो कहाँ पे चला जाएगा? ट्रेडिंग में, प्रोडक्शन या तो फिर गुड्स के रिलेटेड। अगर उसके सिवा पे कोई भी रिलेटेड होगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा? सीधा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर। अगर रेंट दिया है तो रेंट में अगर आपने एडवांस में पे किया है तो क्या करोगे? रेंट टोटल 10,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 1,000, और आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट ले आओगे आप? 9,000 रुपीज आउटर कॉलम में ले आओगे। अब इसकी सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री कहां पे जाएगी? एज इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस दैट बिकम्स अवर असेट्स। क्यों? क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है तो अब नेक्स्ट मंथ हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? सो इट विल बिकम अवर असेट्स, सो इट विल बी रिटर्न ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिसीवेबल इनकम्स। नाउ व्हाट इज रिसीवेबल इनकम्स? हमको इनकम मिलने वाली है तो सबसे पहले कहां पे आ जाएगा? ऑल इनकम्स विल बी क्रेडिटेड ऑन द पीएनएल साइड। पीएनएल अकाउंट में कहां पे आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे इनकम आ जाएगी। अब मिलने वाली है मतलब पहले से कोई तो मिली होगी, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, हमको किसी का रेंट लेना था तो वो कहाँ पे लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। उसके अंदर ऐड क्या करेंगे? ये जो आपके रिस्पेक्टिव रिसीवेबल इनकम है उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे और लिखेंगे कहाँ पे? पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। सेकेंड एंट्री, एज इट इज योर इनकम एंड इट इज गोइंग टू बी कम इन योर बिजनेस, कैश विल कम इन साइड, दैट मीन्स मनी ऑफ द फ्लो विल बी ऑन योर साइड, सो इट इज कंसिडर एज योर असेट्स। यू आर गोइंग टू रिसीव दिस अमाउंट आफ्टर फ्यू डेज, सो अल्टीमेटली ये आपको मिलने वाली है तो कहाँ पे लिखोगे? असेट साइड इन दी बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वी हैव रिसीव्ड द एडवांस इनकम। चलो अब क्या करेंगे? जैसे प्रीवियस था वही इनकम कहाँ पे आएगी? पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। पर अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? वी आर मेकिंग द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूअल, अक्रूअल एंड मटेरियलिटी, ये सारे कंसेप्ट हम यूज करते हैं ना। तो एज पर दिस कंसेप्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डिडक्ट द रिस्पेक्टिव इनकम फ्रॉम दी पर्टिकुलर पीएनएल अकाउंट, और उसके पीएनएल अकाउंट में से क्या करेंगे? अगर एडवांस में रिसीव्ड हो गया है तो वो वहां वहां पे माइनस कर देंगे। एज वी हैव रिसीव्ड दिस इन एडवांस, वी हैव टू राइट डाउन इट इन अ लायबिलिटी साइड। क्यों लायबिलिटी साइड पे लिखनी पड़ेगी? एडवांस में मिल गई है, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ मिलने वाली नहीं है, तो कहां पे लिखोगे? ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। अब डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहली एंट्री आपकी आ जाएगी कहां पे? असेट साइड पे, बिकॉज असेट्स दैट मीन्स बोथ द असेट्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि मशीनरी दी है, तो मशीनरी में आपको बोला है एज पर WDV मेथड यू हैव टू कैलकुलेट 10% एज अ डेप्रिशिएशन। 1 लाख का गुड्स है मतलब 1 लाख की मशीनरी है, तो उसमें से 10% माइनस करो, आउटर कॉलम में कितना आएगा? 90,000। सो द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज बिकम फ्रॉम 1 लाख टू 90,000, 90,000 उसकी वैल्यू हो गई। दूसरी एंट्री आप कहाँ पे लिखोगे? दूसरी एंट्री आप लिखोगे
पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। ओके, कहां पे लिखने वाले हो? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो ये डेप्रिसिएशन मोटर कार हो या तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो, मतलब बिल्डिंग का हो, या तो फिर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो, सारी असेट्स का डेप्रिसिएशन यही वे में होगा। तो ये आप एक एंट्री कर लोगे, इसकी एंट्री कंफर्म आने वाली है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देते हैं बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। अब बैड डेब्ट वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले बैड डेब्ट मतलब क्या? द अमाउंट विच वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स। ओके, अब डेटर्स मतलब क्या? डेटर्स मतलब वो बंदे जिससे हमको पैसे लेने थे। ओके, जिन लोगों से हमको पैसे लेने थे। वी हैव गिवन देम द गुड्स ऑन देयर क्रेडिट। ओके, हमने उनको गुड्स सेल किया था, उससे हमको गुड्स में से पैसे मिलने वाले थे, हमको लेने थे, दैट वाज आवर असेट्स, बट नाउ दे आर नॉट गोइंग टू गिव द अमाउंट, दैट वाई इट बिकम्स बैड डेब्ट। सो हम क्या करेंगे? बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ करेंगे। तो पहला कहां पे आएगा? वी आर गोइंग टू डिडक्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम दी डेटर्स अकाउंट। कहां से डिडक्ट करेंगे? डेटर्स अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे, मतलब जितनी भी रिटर्न ऑफ होगी, कि टोटल डेटर्स 1 लाख रुपीज के है और रिटर्न ऑफ करना है 10%, दैट मीन्स 10,000। तो 10,000 माइनस करके बाकी का जो अमाउंट है वो कहाँ पे लिख देंगे? सीधा लिख देंगे आउटर कॉलम में। और सेकेंड एंट्री कहाँ पे आएगी? एज अ बैड डेब्ट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस और द एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, सेकेंड एंट्री विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। अब डेबिट साइड पीएनएल अकाउंट में आएगी तो कहाँ पे लिखोगे? तो उसका एक फॉर्मेट है आपको याद करना पड़ेगा। एक तो आपकी ट्रायल बैलेंस की, फिर एडजस्टमेंट वाली, फिर एडजस्टमेंट वाली और दी ट्रायल बैलेंस की, ये रिटर्न ऑफ वाले सारे चार होते हैं टोटल, वो सब में ऐड और माइनस होते हैं, वो हम एग्जाम्पल करेंगे तब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर में पता चल जाएगा। अभी आप इतना ध्यान रखो, एज इट इज एन एक्सपेंडिचर, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ दैट विल बी गोइंग टू बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट, एंड अगर बैड डेब्ट लिखी है तो बैड डेब्ट जो ट्रायल बैलेंस की है वो प्लस एडजस्टमेंट वाली उसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर 8, बैड डेब्ट रिजर्व। अगेन वी आर मेकिंग द रिजर्व फ्रॉम फॉर द बैड डेब्ट। तो ये रिजर्व बनेगी वो कहां से बनेगी? सेम जिससे लेने वाले हैं वहीं से, फ्रॉम द असेट साइड। डेटर में से हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे, और सेकेंड एंट्री इसकी कहां पे दे देंगे? सीधा देंगे के पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग रिजर्व फॉर द बैड डेब्ट। वी एक्सपेक्ट दिस अमाउंट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव दी अमाउंट बैक ऑन टाइम। ओके, हम क्या सोच के बैठे हैं कि ये लोग जो है, जिसको हमने दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टोटल गुड्स 15,000 का किसी को दिया है और मुझे लगता है कि उसमें से वो 5,000 का पैसा नहीं देने वाला, तो वो कंसिडर क्या कर दी जाएगी? बैड डेब्ट कंसिडर की जाएगी। पर उससे पहले आप क्या करोगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू का रिजर्व्स बनाओगे ताकि उस टाइम पे ज्यादा लॉस आपके बिजनेस को ना आए। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 9, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। अगेन डिस्काउंट रिजर्व, व्हाट वी आर डूइंग गोइंग टू डू, असेट्स में से डेटर साइड से माइनस करेंगे डिस्काउंट वैल्यू रिजर्व, एंड सेकेंड एंट्री विल बी गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट एज अ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। सेम एंट्री है प्रीवियस 3। अब देखो, फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज मतलब क्या? कि हमने किसी से गुड्स लिया है ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब मैं एक कोई गुड्स सेल कर रहा हूँ मार्केट में, पर उसके लिए जो मैंने रॉ मटेरियल लिया है, तो वो एक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है अमित से, तो अमित से मैंने 10,000 रुपये का एक गुड्स लिया है। तो अब अमित ने क्या बोला कि नो प्रॉब्लम सर, गिव द अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद दोगे तो चलेगा। चलो मैंने बोला कोई कोई टेंशन नहीं, चलो 3 महीने तक तो हम कुछ सेटिंग कर ही लेंगे इस चीज का। अब हमने क्या किया? ये हो गया हमारा क्रेडिट परचेज। नाउ एज आई हैव टू गिव द अमाउंट बैक टू हिम, तो पहला एक तो आपने एंट्री की नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, तो सबसे पहला क्या करोगे? यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें ऐड होगा, परचेज में ऐड होगा अनरिकॉर्डेड परचेज करके, पता चला। सेकेंड,
Now you have to pay this to the Amit after 3 months. That means it will become your liability. तो कहां पे आ जाएगा? On the liability side of the balance sheet. Add it to the creditors. Creditors मतलब क्या? जिनको हमको पैसे देने हैं. We are going to remit them the amount after few days. Okay? तो किसमें? Creditors में आप लोग ऐड करोगे. क्रेडिटर्स में ऐड करोगे. अगर डेटर्स वाला होता तो डेटर्स मतलब क्या? हमको उनसे पैसे लेने हैं. वी हैव सोल्ड देम द गुड्स, हियर वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम देम, सो वी आर गोइंग टू ऐड इट इन द क्रेडिटर्स. नेक्स्ट एंट्री, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स. अब देखो, जो डेटर्स वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे आ गया. अनरिकॉर्डेड है मतलब क्या करेंगे? सबसे पहले ऑन द ट्रेडिंग साइड सेल्स में ऐड कर देंगे. ये तो आपको क्लियर हो गया. सेकेंड एंट्री कहाँ पे आ जाएगी? एड इन दी डेटर्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट दी अमाउंट आफ्टर फ्यू डेज, सो सेकेंड एंट्री विल कम ऑन दैट साइड. क्लियर? चलो नेक्स्ट, फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न. हमने क्या किया है? क्रेडिट परचेज जो था वो रिटर्न ही किया है. तो सबसे पहले एंट्री कहाँ पे आ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में से वी आर गोइंग टू डिडक्ट दी अमाउंट फ्रॉम दी परचेज. कहाँ से डिडक्ट करेंगे? परचेज में से डिडक्ट करेंगे. अब क्या होगा? सेकेंड, लायबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम दी परचेज रिटर्न. ओके, मतलब डिडक्ट फ्रॉम दी जो हमारे क्रेडिटर्स थे उसमें से हम क्या करेंगे? अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे. और यहाँ पे दूसरी एंट्री क्या आ गई? परचेज में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न शो करके. नेक्स्ट वन, फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स. अब फिर से क्रेडिट सेल किया है और अनरिकॉर्डेड है, उसमें क्या हो गया? रिटर्न हो गया. सो सबसे पहले कहां से करेंगे? सेल्स में से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न. ओके, दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखेंगे, उसमें से माइनस सेल्स रिटर्न लिखेंगे. सेकेंड एंट्री कहां पे देंगे? ऑन द असेट साइड डेटर्स में से क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे अमाउंट. कितना? जो भी अमाउंट दिया हुआ होगा वो डेटर्स में से कितना माइनस कर देंगे? सेल्स रिटर्न की अमाउंट माइनस कर देंगे. नेक्स्ट नंबर 14, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ द इंटरेस्ट हैज कम. अब यहां पे आपको क्या देखना है? जब सोल प्रोपराइटर होता था तो सीधी आप एंट्री कहां पे कर देते थे? बैलेंस शीट में कर देते थे. ओके, पर यहां पे जो है वो कैपिटल कौन ब्रिंग कर रहा है? पार्टनर्स ब्रिंग कर रहा है. तो पार्टनर्स के लिए आप स्पेशली तीन डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनाते हो. पहला बनाते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, दैट इज अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सेकेंड, एक बनाते हो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाते हो पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब ये चीजें बनाते हो तो स्पेशली उसकी एंट्री आप कहाँ पे दोगे? वहीं पे दोगे, कोई और जगह पे तो देने नहीं वाले. तो हम देखते हैं वो एंट्री. तो अब से आपका प्रीवियस तक जो था ना, तो वो तो आपका सोल प्रोपराइटर का ही कंसेप्ट था. यहां से आपका रियल कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है. कौन सा? जो है कि पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड जो एंट्रीज है उसका. चलो देखते हैं. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्स्ट एंट्री विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, व्हाई इट इज ऑन अ डेबिट साइड? ये डेबिट साइड पे क्यों आई? पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे. बिकॉज गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट्स अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. क्लियर? क्या? कि जो भी कैपिटल लाई है बिजनेस के अंदर. चलो, टू पार्टनर्स आर देयर, ए एंड बी. दो पार्टनर है, ए बी पार्टनर्स हैं. इसमें से किसी ने कैपिटल लाई है, दोनों ने चलो 1-1 लाख रुपए कैपिटल लेके आए और कॉन्ट्रैक्ट किया, बिजनेस फॉर्म स्टार्ट किया और ऐसा लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10% आफ्टर एंड ऑफ द ईयर. तो ये तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंडिचर हो गया. एवरी ईयर 10% देना मतलब 10,000 रुपए देना. सो दैट इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब सेकेंड एंट्री कहाँ पे आ जाएगी? सेकेंड एंट्री विल कम ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट. क्लियर? बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? कैपिटल जो दी होगी उसमें कितने ऐड कर दोगे? 10,000 रुपए ऐड कर दोगे. दैट मीन्स 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, सॉरी 10,000. द आउटर क्या बोल रहे हम, द अमाउंट विल बिकम 1,10,000. ओके, तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब ड्रॉइंग दैट मींस द फर्स्ट एंट्री विल बी रिटर्न ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द ड्रॉइंग्स. और ड्रॉइंग्स में से क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे.
जो भी ड्राइंग दी होगी उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे। व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड द अमाउंट, बिकॉज इट्स इनकम फॉर द बिजनेस। उसने पैसे लिए या तो फिर गुड्स लिया हमारे प्रॉफिट अर्निंग फॉर्म में से, तो उसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो दैट इज अवर ड्रॉइंग्स, और उसमें हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। सेकेंड एंट्री कहाँ पे आ जाएगी आपकी, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सी साइड पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, पी एन एल अप्रोप्रिएशन में। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं। अब सैलरी दे रहे हो तो सबसे पहली एंट्री, एज इट इज एन एक्सपेंडिचर वी आर गोइंग टू राइट इन अ डेबिट साइड ऑफ द पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक मिनट है, चलो सही है, पी एन एल अप्रोप्रिएशन के कहां पे, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे लिख दोगे। सेकेंड आप लिखोगे कहां पे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल और द करंट अकाउंट। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, या तो फिर करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। इस दो अकाउंट में कौन सी एंट्री आएंगी, जो एंट्री ओनली विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के रिलेटेड है वही एंट्री आने वाली है, कोई एक्स्ट्रा एंट्री इसमें आने वाली नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। नाउ एज वी हैव टू गिव द इंटरेस्ट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, इट विल बिकम अवर एक्सपेंडिचर। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट इन अ डेबिट साइड ऑफ द पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एन एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिख देंगे, बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस, ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। अब सेकेंड एंट्री कहाँ पे देंगे, रिलेटेड अकाउंट में। अगर आप करंट अकाउंट पे दे रहे हो तो करंट अकाउंट में, या तो फिर आप कैपिटल अकाउंट में दे रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में, सेम साइड, दैट मीन्स ऑन द क्रेडिट साइड, वी आर गोइंग टू राइट इट एज अ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और उसमें क्या कर देंगे, अमाउंट ऐड करेंगे। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन द डेबिट बैलेंस। अगेन डेबिट साइड है तो डेबिट बैलेंस पे हमको देना है, तो फर्स्ट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो डेबिट बैलेंस है उसके नीचे ही देना है इंटरेस्ट, और सेकेंड आ जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ द पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। क्लियर, चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब क्या किया है, पार्टनर ने लोन दी है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना बाकी है। एज द इंटरेस्ट इज अबाउट टू पे, दैट मीन्स इट विल बिकम अवर लायबिलिटी। तो एक एंट्री तो आपकी लायबिलिटी में आ जाएगी, और सेकेंड इट्स एन एक्सपेंडिचर टू पे द इंटरेस्ट, सो डेबिट साइड ऑफ पी एन एल अकाउंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सेकेंड एंट्री कहां पे आएगी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये जो कंसेप्ट है ना, आप एक बार देख लोगे आप क्लियरली 11 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने एडजस्टमेंट की टू फैक्ट सही से दे दी तो बाकी का तो काम क्या है, जस्ट यू हैव टू पुट द अमाउंट और पुट एवरीथिंग ऑन द जस्ट राइट ट्रैक, और फिर टोटल कर लो। ट्रायल बैलेंस में से उठा उठा के सिर्फ अकाउंट्स में तो रखना है, उससे ज्यादा काम क्या थोड़ी ना करना है। तो ये सम जो है वो आपके 30 मिनट्स तो ले लेगा, कन्फर्म 30 मिनट्स आपके जाने वाले हैं। पर आप ये ट्राई करो कि अगर आप 30 मिनट्स ये पर्टिकुलर सम के लिए दे रहे हो तो एटलीस्ट आप 8 या 9 मार्क्स इसमें से स्कोर कर पाओ। ये कब होगा, जब आप प्रॉपर वे में एडजस्टमेंट्स पढ़ोगे और ऑन टाइम इसका ट्रांसफर कर दोगे इन ट्रायल बैलेंस ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये आपको इजीली हेल्प करेगा टू स्कोर मोर देन 8 और 9 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो कहां पे आएगा, पहला जनरल रिजर्व विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये जनरल रिजर्व है, ये अल्टीमेटली होता किस में से है, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से ही पार्ट पड़ेगा। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ही आप तो डिविजिबल प्रॉफिट करते हो। ओके तो ये एक एंट्री यहां पे आएगी, सेकेंड एंट्री आएगी ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एड इट टू जनरल रिजर्व। रिजर्व्स में से तीन टाइप के आएंगे, पहला आएगा जनरल रिजर्व, सेकेंड आएगा कैपिटल रिजर्व, एंड थर्ड आ जाएगा आपका अदर रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व है तो आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व में जो दी होगी अमाउंट उसके अंदर ऐड कर देना है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 21,
commission payable to the partners. Now you have to pay the commission to the partners. This will become expenditure for the business. ओके अब एक्सपेंडिचर है तो कहां पे आएगा, पहली एंट्री आ जाएगी पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सेकेंड एंट्री आपकी कहां पे आ जाएगी, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट और द कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इट विल बिकम द इनकम फॉर द पार्टनर्स. ओके नेक्स्ट नंबर 22, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन. अब हमको क्या देना है, लोन पे इंटरेस्ट देना है, दैट मींस एडवांस लोन पे क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है. चलो एज वी हैव टू पे द इंटरेस्ट, इट विल कम ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ओके वी सॉरी मिस्टेक विच आई हैव मेड, अब मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं. एडवांस लोन दैट मींस वी हैव गिवन द लोन टू समवन. अब हमने लोन दी है और उस पे अमाउंट आनी बाकी है तो वो क्या कंसिडर की जाएगी, दिस विल बी कंसिडर एज योर असेट. सो असेट साइड पे बैलेंस शीट में लिखोगे और सेकेंड एंट्री कहां पे लिखोगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट. नेक्स्ट वन अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल असेट्स. अब यहां पे बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, जब आप टेंजिबल असेट्स का काम करते हो तो उसके ऊपर जो आपका जो आप अमाउंट डिडक्ट करते हो तो उसे बोला जाता है डेप्रिशिएशन. जब आप इनटेंजिबल असेट्स पे काम करोगे तो डेप्रिशिएशन की जगह पे आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करना है. ओके कौन सा वर्ड, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करना है. ऐसे लीज वाली प्रॉपर्टी होगी तो उसके ऊपर आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करोगे. ये माइनर माइनर चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर फाइनल अकाउंट्स और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये चीज याद रखना, as it is an intangible assets we are going to use the word amortization. ab dekho intangible assets matlab kya, the assets which you cannot touch, which you cannot feel, but it has real in existence. For example patent, trademark, copyright, goodwill, these all are your intangible assets. Now as the intangible assets are there, again we are going to deduct the amount from the assets side. usme kahan pe aa jayega, non current assets mein intangible assets we are going to deduct the amount and second entry will come on the debit side of p and l account. ye clear ho gaya, same entry jaise tangible mein dete hain waise intangible mein deni hai, koi difference nahi hai, par khali aapka word ka difference hai. word kaun sa hai, amortization. डेप्रिशिएशन लोगों फिर भी करेक्ट है पर इसमें आपको याद रखना है कौन सा वर्ड, अमोर्टाइजेशन. चलो एंट्री नंबर 24, गुड्स विड्रॉन फॉर द पर्सनल पर्पस. अब हमने क्या किया है, गुड्स हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल पर्पस. तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी ड्रॉइंग. तो ड्रॉइंग है तो आप कहां पे लिखोगे, ऑन द लायबिलिटी साइड यू आर गोइंग टू एड द अमाउंट इनटू द टाइटल drawing, that means on the balance sheet, जो balance sheet के side होती है liability side, वहाँ पे आप drawing में ये amount add कर दोगे. दूसरी amount आपकी कहाँ पे आ जाएगी, on the debit side of the trading account, because we are going to deduct that amount from the purchase. It is a kind of outflow from the business, okay? और purchase में से क्यों minus किया, sales में से क्यों नहीं किया, क्योंकि as you are the business owner, you are going to take the amount or you are going to take the product which you have purchased from the market on particular price. आप थोड़ी ना उसमें profit add करके उसकी price में से minus करने वाले हो, तो आपने जिस price में purchase किया होगा उसी में आप withdraw करोगे. So it's kind of a drawing for the business. Next one, goods issued as a free sample. अब आपने क्या किया, आपने गुड्स मार्केट में सेल आउट किए हैं, सेल आउट नहीं किए, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो सबसे पहले एंट्री गुड्स आउटफ्लो है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट तो इसके रिलेटेड आने ही वाला है. ओके तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे लिखोगे, वी आर गोइंग टू डिडक्ट इट फ्रॉम द परचेज. इसे सेल्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, टोटल परचेस होगा उसमें से ये चीज हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. सेकेंड एंट्री क्या लिख देंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्री एंड एल अकाउंट we have distributed the goods as a sample, तो इसे क्या कहा जाएगा, advertisement expense. okay
So we are going to write it on a debit side as an advertisement expense in P&L account. Next, number 26, stationery stock. Now stationery, it's a kind of expenditure for the business. So it is going to be written on the debit side of the P&L account. So pehli entry kahan pe aa jayegi? P&L account mein debit side. Aur second entry kahan pe aayegi? Second entry aayegi as a stock. So stationery is your stock. You are going to write it on a asset side of the balance sheet. Current assets mein likhoge aap kya? Stationery stock. और दूसरी जो हमारी जो सॉरी हमारी जो पहली एंट्री थी वो कहां पे आ जाएगी? स्टेशनरी में से हम अमाउंट क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे. टोटल हमने ईयर स्टार्टिंग में 10,000 रुपए की स्टेशनरी मंगवाई थी, तो उसमें से हमको इतनी स्टॉक बची है, तो उतने हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 2000 या तो फिर 3000 के. माइनस करके जो भी अमाउंट बची होगी वो कहां पे ले आएंगे? आउटर कॉलम में ले आएंगे. क्लियर? सो दिस इज एंट्री नंबर 26. नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट नंबर 27, राइटिंग ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी. अब देखो हमने क्या किया है, हमने लीज पे एक प्रॉपर्टी ली है, तो उसने हमने दिया, इसके लिए गुजराती में वर्ड यूज होता है भाड़ा पट्टानु मकान. क्या वर्ड यूज होता है? भाड़ा पट्टानु मकान. ओके, तो हमने क्या किया है, लीज पे एक प्रॉपर्टी ली है. तो अब लीज पे आपने प्रॉपर्टी ली है तो उसके पर्टिकुलर ईयर्स होंगे फॉर द लीज, दैट मीन्स 10 ईयर्स या तो 15 ईयर्स. तो जो भी ईयर्स दिए हैं वो आप इसमें से क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे. ओके, तो पहले एज इट इज योर असेट्स, तो पहले तो क्या करेंगे, असेट साइड पे लिखा हुआ होगा उसमें से डिडक्ट कर देंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी की अमाउंट. तो असेट साइड में लीज होल्ड प्रॉपर्टी माइनस रिटर्न ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस एंड आई हैव टेकन अ एसेट ऑन अ लीज. 10 लाख रुपए मुझे बोला गया और उसमें से ऐसा कहा गया कि एवरी 10 इयर्स यू हैव टू पे द टोटल अमाउंट. तो मेरी लीज टोटल 10 लाख है और उसमें से मुझे मिला कितने सालों के लिए? 10 साल के लिए. तो मैं क्या करूंगा, टोटल अमाउंट लिख दूंगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज माइनस रिटर्न ऑफ. तो 10 इयर्स का क्या करेंगे, अमाउंट डिवाइड करेंगे, तो एवरी ईयर आई एम गोइंग टू रिटर्न ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम इट. ओके, 1 लाख रुपए एवरी ईयर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और जो भी अमाउंट उसकी बचेगी वो कहां पे चली आएगी? आउटर कॉलम में चली आएगी. पता चला? सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड विद द लीज होल्ड प्रॉपर्टी. और सेकेंड एंट्री कहां पे आएगी? एज इट इज एन एक्सपेंडिचर, दिस इज कंसिडर एज एन डेप्रिसिएशन और द अमोर्टाइजेशन. ऐसे ही कंसिडर किया जाता है. तो कहां पे लिख दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे राइटिंग ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी. क्लियर? एंट्री नंबर 28, रिसीवेबल इंटरेस्ट और द डिविडेंड ऑन द शेयर एंड अदर इन्वेस्टमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू गेट द अमाउंट एज इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है या तो फिर आपको डिविडेंड मिलने वाला है. तो फर्स्ट, एज इट इज योर रिसीवेबल अमाउंट, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिसीव इट इन फ्यूचर. तो एक एंट्री तो आप कहां पे लिख दोगे? असेट साइड पे लिख दोगे अमाउंट रिसीवेबल एज इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट. और सेकेंड एंट्री कहां पे लिखोगे? ऑन द P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज इट्स अ इनकम फॉर द बिजनेस. क्रेडिट साइड पे लिख दोगे ना P&L के क्रेडिट में. चलो नेक्स्ट वन, पर्सनल असेट्स इंट्रोड्यूस बाय दी पार्टनर्स. अब क्या कर रहा है पार्टनर ने? एज यू नो दैट पार्टनर्स, वॉट एवर दे आर ब्रिंगिंग एज अ गुड्स, एज अ कैपिटल, वॉट एवर दे आर ब्रिंगिंग इन दी बिजनेस, दैट विल बी कंसिडर एज देयर कैपिटल. तो अब उसने क्या किया, एक असेट्स लाया, पर्सनल असेट्स लेके आया और क्या किया, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कंसिडर्ड एज एन असेट्स. So we are going to write in a asset side of the balance sheet. Balance sheet के asset side पे लिख देंगे जो भी property वो लेके आया होगा उसका. For example, उसने एक car ली और car business के अंदर लेके आया, तो we are going to write motor car on the asset side of the balance sheet. अब second entry कहाँ पे लगेगी? As the owner brings anything into the business will be considered as a capital. तो हम क्या करेंगे,
लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में कैपिटल में ये चीज कर देंगे ऐड। ओके, तो ये आपको यहां तक पता चला होगा। आई होप यू हैव पर्टिकुलरली सीन दी होल 29 एंट्रीज। अब अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखो। अगर आप उसको स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तभी आपको ये बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज वी आर डूइंग सो मच एफर्ट्स फॉर यू गाइस। तो आपको एटलीस्ट इतना टाइम निकाल के ये चीजें अच्छे से पढ़नी होगी। नेक्स्ट द लास्ट वन, फाइनली वी आर एंडिंग अवर सेशन। सो इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजूमदार। आई एम अपलोडिंग द वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th कॉमर्स फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई एम गोइंग टू पुट द न्यू वीडियो। यू आर गोइंग टू गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम यूट्यूब साइड। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सीधा आप लिखोगे कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार तो मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। सर्च करो और सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट टू द फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड एंड 11th एंड 12th कॉमर्स। मैक्सिमम सेंड करो। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू अपलोड द वीडियोज इन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन गुजराती मीडियम। सो ये उनके लिए भी अब बेनिफिट होने वाला है, तो उनको भी ये चैनल आप शेयर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।